daily show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। अरशद शहीद साहब की शहादत के बाद उनका जिस्म खाकी इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया और जब से इस्लामाबाद का उनका जिस्म आया तो गालिबन 3 माह का अरसा दरकार था। इस 3 माह के अरसे के बाद अरशद शहीद साहब पाकिस्तान तो लौटे, लेकिन वो जिन हालात में पाकिस्तान आए वो यकीन तौर पर किसी ने इस बारे में गुमान नहीं किया था। जो मनाज़िर देखे गए, जिस तरीके से उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके वर्सा ने जिस अंदाज से उस उनको रिसीव किया, यकीनी तौर पे उन तमाम तर मामलात को देखने के बाद किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। अरशद शहीद साहब की शहादत के हवाले से इस वक्त बहुत सी बातें की जा रही हैं, बहुत से मामलात हैं जिनको रोज नए पहलू के तौर पे सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी एक और ये बड़ी सनसनी केस इंकशाफात भी हो रहे हैं कि इस हवाले से हुकूमत कोई बेंच तश्कील देने का इरादा रखती है और जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा जो इस तमाम तरवाकी की तहकीकात करेगा। आखिर इसके ऊपर क्या हो रहा है और अरशद शरीफ साहब की कल जो नमाज जनाजा मुतवक्के है उसके उस वक्त तक क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो सियासी दर्जा हरारत है उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब रिजवान शाह साहब, इस्लामाबाद से सीनियर सहाफी हैं। इनसे जरा जानते हैं कि बतौर सहाफी अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई और उसके बाद जो हुकूमती रद्द अमल देखने में आया, वो सब देख के बतौर सहाफी वो क्या महसूस करें। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, अरशद शरीफ साहब की शहादत एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा टॉपिक है कि जब हम इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो जबान साथ नहीं देती, अल्फाज ढूंढने से नहीं मिलते और बड़ा मुश्किल है किसी भी शख्स के लिए बतौर सहाफी जब हम इस बात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, शायद जबान और दिलो दिमाग बिल्कुल तौर पर मफलूज हो जाता है। जी बिल्कुल सही फरमाया मुंडीर साहब, आप भी एक सहाफी हैं और आपको भी पता है कि सहाफत कितना मुश्किल काम है, सच बोलना है और बोलते ही रहना है। सूरत हाल बड़ी बड़ा एक अलमनाक वाकया है, एक बहुत अफसोसनाक वाकया है कि एक इंसान, एक शहीद का बेटा, एक शहीद का भाई, वो पाकिस्तान जिंदाबाद करता 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 करता, आवाज़ बुलंद करता करता करता, इस हकूमत, इस रिजीम चेंज के खिलाफ उसने आवाज़ बुलंद की। तो सबसे बड़ा सवाल तो पैदा ये होता है कि अरशद शरीफ को अपना मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा, किसके कहने पर, किन वजूहात पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हर वक्त लगाने वाले को अपने ही प्यारे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ गया। ये एक ऐसा सवाल है जिसको कल अरशद शरीफ की वालदा ने भी दोहराया। जी वालदा ने भी दोहराया और उनकी वाइफ ने भी सदरे पाकिस्तान से पूछा, वो भी इसका जवाब नहीं दे सके। हमें सबसे पहले पता ये दो चीजें करनी होंगी कि वो क्या वजूहात थी और किन वजूहात पर अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। सेकंड, हमें ये इसका भी पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को दुबई की हुकूमत पर दबाव डालकर वहां से एग्जिट पे मजबूर किया और किसी और मुल्क जाने पर मजबूर किया। देखिए, ये अरशद शरीफ का ही कत्ल नहीं है, बेसिकली ये मॉरल ग्राउंड का कत्ल है, अखलाकी अकदार का कत्ल है। सच बोलने वालों के लिए एक इबरत की मिसाल बनाई गई है अरशद शरीफ को कत्ल करके। तो रिजवान साहब, होना तो ये चाहिए था कि इस मामले के ऊपर अब 2 रोज से ज्यादा गुजर चुके हैं, तहकीकाती अमल तेज हो जाता, कुछ चीजें सामने आ जाती, लेकिन आज भी अगर हम अपने इदारों की बात करें, वो आज भी जो अफ्रीका की जो पुलिस है, नैरोबी की जो पुलिस है, उसकी ही रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं और जुडिशियल कमीशन कोई कह रहा है बन रहा है, कभी कहते हैं नहीं बन रहा, कभी कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाने का फायदा नहीं है, हुकूमत का इस पर क्लैरिटी नजर नहीं आती। और अगर हुकूमत का एक सेगमेंट इस तमाम तर वाक्य पे अफसुरदा नजर आता है तो दूसरे एक सेगमेंट का कहीं ना कहीं तंजिया रवैया भी देखा जा रहा है। शायद ये इंसानी एतबार से तो बड़े शर्मनाक बात है कि हम इखलाकी तौर पर इन पस्तियों का शिकार हो चुके हैं, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? माजी में इस तरह के वाकयात हुए, कभी कोई नताइज नहीं देखे गए, इस बार कुछ उम्मीद है कि कुछ होता है देखा जाएगा, क्योंकि बड़े सारे लोगों को उस पर टारगेट भी किया जा रहा है। देखें मुनीर साहब, बात यह है कि हुकूमत का तो गैर संजीदा रवैया शुरू से ही नजर आ रहा है इस वाकये के बाद। इस आने के बाद हुकूमत ने खानापूरी की है जो अभी तक खानापूरी की सूरत नहीं है। आप कीनिया भेज रहे हैं, आपने उसे वह क्यों नहीं फौरी तौर पर कोई वहां पर अपने एक्सपर्ट्स रवाना किए?
आपने इतना टाइम क्यों लिया, आपने क्या मदद की अरशद शरीफ की जज्द खाकी को वापस लाने के लिए? कुछ भी नहीं। ये तो अगर पाक फौज का बयान ना आता कि इसके ऊपर तहकीकात की जरूरत हो, तो ये हुकूमत तो तहकीकाती मिशन बनाने में भी 2 महीने लगा देती। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि ये तहकीकाती मिशन जब भी बनते हैं, ये कोई भी इस तरह के पैनल जब तरतीब दिए जाते हैं, तो उसको कितना टाइम लगता है इंसाफ देने में। सारी दुनिया जानती है कि नैरोबी की पुलिस कितनी करप्ट है। वो मशहूर है पुलिस मुकाबलों के लिए, वो मशहूर है अपनी करप्शन के लिए। वो थोड़े पैसे देकर इस तरह के टारगेट किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व है उनका वो पुलिस। वहां पर एक मुतनाजा वाक्या दिखाया गया है, कभी पुलिस कहती है कि हम एक लड़के की बाजियाबी के लिए मिशन के ऊपर थे, कभी वो कहते हैं कि एक गाड़ी चोरी हुई थी। ये तो कहानी बिल्कुल इस कहानी की। लेकिन रिजवान साहब, हम नैरोबी की बात करते हैं, हम कीनिया की बात करते हैं, गालिबन ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पाकिस्तान में पुलिस के हाथों लोग शहीद होते आए हैं। लाहौर मॉडल टाउन सानिया हमारी आंखों के सामने है। आज तक हम लाहौर में होने वाले सानिये के ऊपर तो किसी किस्म की इंक्वायरी ना कर सके, किसी किस्म की जो मुजरिमान थे उनको सजाएं ना दे सके। आज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सहाफी जो पाकिस्तान के लिए हमेशा आवाज उठाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता था, जिसको 7 समंदर पार शहीद कर दिया गया, वहां पे हमारी पुलिस या हमारे जो मौजूदा हुकूमत के अहलकार हैं वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, वहां पे इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही आपने निशानदेही की। मुनीर भाई, आप मुझे बताएं कि सानिया मॉडल टाउन के जो जिम्मेदारान थे वो कहां पर हैं? वो तो खुद हुकूमत में है, वो कहां से किसी को इंसाफ मुहैया करेंगे? कभी इंसाफ नहीं मिलेगा इस तरीके से। इसको अदालत और रिजवान साहब, एक चीज ऐड भी कीजिएगा, कल मरीम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट किया, जिस अंदाज में वो गुफ्तगू की और फिर उन्होंने कई घंटों के बाद उस ट्वीट को वापस लिया, डिलीट किया, ये भी एक सोच को जाहिर करता है कि शायद हुकूमत की क्या सोच है। क्योंकि मरीम नवाज साहब पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की नायब सदर है, उनकी जानिब से अगर एक चीज आती है तो उसका एक वेट तो है। देखिए, ये दिखाया गया है, बेसिकली ये मजाक उड़ाया गया है। हमारे दीन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता, हमारी अखलाकियात हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। हमारे तो पड़ोस में किसी की शहादत हो जाए, किसी की मौत हो जाए, तो हम उसके ऊपर अफसरदा हो जाते हैं, हमारे घरों के माहौल खराब हो जाते हैं, और आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप पार्सल पार्सल कर रहे हैं इस तरीके से। ये एक दानिश्ता तौर पे कोशिश की गई है, और उन्होंने भी जो अपना ट्वीट वापस लिया, ये ट्वीट ऐसे वापस नहीं लिया है, उनको मशवरे दिए गए उनके अपने जो उनका एक हल्का अहबाब है साफियों का, उन्होंने मशवरे दिए कि आप इस ट्वीट को वापस ले लें। लेकिन लेकिन रिजवान साहब, माजत के साथ, मरीम नवाज साहिबा ने तो वो ट्वीट वापस ले लिया, लेकिन मुल्क के मौजूदा वजीर दाखला इस वक्त अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं, और गालिबन इस तमाम तर वाकये को कोई और रुख देने की कोशिश की जा रही है, सर वो भी तो एक बड़ा मसला है कि हम किस मुल्क में, किस माशरे में अपने आप को इस वक्त मौजूद पा रहे हैं कि हम, ये तो बड़ा सवाल है। देखें मुनीर साहब, जिस वक्त आपके वो लोग हुकूमत के अंदर आ जाएंगे जिनके ऊपर फर्ज जुर्म आयद होनी थी, जो मुजरिम है, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की हुई है, जिनके खिलाफ हर चीज थी, जिनको जेलों में जाना था, जिनको फर्ज जुर्म आयद होनी थी, और दूसरे दिन वो हलफ उठाकर वजीर आजम बन गए। और राणा सनाउल्ला की जो बात कर रहे हैं, राणा सनाउल्ला साहब आप खुद देख लें, मॉडल टाउन के अंदर कन्विक्टेड हैं, बिल्कुल उनके ऊपर जो है इसका बहुत बड़ा एक केस है, लेकिन वो खुद इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि एक शख्स जो अपनी जान से गया, जिसको शहीद कर दिया गया, नाक कत्ल कर दिया गया, उस शख्स के बारे में आप अब ये तहकीकात करेंगे कि वो किसी स्मगलिंग के अंदर था, वो स्मगलर था, ये एक बहुत शर्मनाक बात। नहीं, एक सवाल है रिजवान साहब, एक मिनट के लिए किसी के लिए भी तस्वीर कर लिया जाए कि वो शायद आपके उसके साथ मामलात सही नहीं थे, आपको उसकी बात पसंद नहीं आती थी, शायद वो किसी ऐसी एक्टिविटी में आपको आपके ख्याल से मुलविस था जो शायद सही नहीं थी, लेकिन मौत तो किसी बात की
किस की बात का जवाब नहीं है, किसी को जान से मार देना ये किसी बात का जवाब नहीं है। इस वक्त इन तमाम चीजों को जवाब बनाया जा रहा है और ये हुकूमत वक्त के नुमाइंदों की जानिब से बनाया जा रहा है। सर ये अगर रवैया होगा तो कैसे ये सोचा जाए कि जो जुडिशियल कमीशन बनेगा या जो इंक्वायरी कमेटी बनेगी वो इस मौजूदा हुकूमत के रहते हुए एक इस तरह से इंक्वायरी कर सकेगी जो उनके लवाइकीन को उनकी वर्षा को एक्सेप्टेबल होगी? देखिए ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये उस केस को मुतनाजा बना रहे हैं, अरशद की शहादत को मुतनाजा बना रहे हैं। इनसे कभी भी तवक्को नहीं की जा सकती कि इंसाफ पर मबनी और सच पर मबनी कोई तहकीकात करेंगे। और रिजवान साहब मैं चाहूंगा आखिरी में जरूर ये भी बताइएगा कि ये तमाम तर सूरत हाल यकीन तौर पर कल गालिबन जोहर की नमाज 2 बजे के बाद अरशद शरीफ साहब का जब नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी और उनकी तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो सियासी दर्जा हरारत जो इस वक्त हमें कुछ देर के लिए पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सियासी मामला पसे पर्दा चले गए उनके ऊपर भी यकीन तौर पर इस्लामाबाद में दारुल खिलाफा में बड़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया लॉन्ग मार्च का, और वो ऐलान शायद जिसके बारे में बहुत से लोग इस बात में राय रखते थे कि शायद तहरीक इंसाफ के सरबराह लॉन्ग मार्च के ऐलान को मौखर कर रहे हैं, दानिस्ता तौर पर नहीं चाहते कि लॉन्ग मार्च जैसी एक्टिविटी इस वक्त की जाए, अब वो करनी पड़ रही है। अब आपको क्या लगता है कि एक एडिट प्रेशर भी है, अरशद शरीफ साहब समेत दीगर सहाफती जो अहम लोग हैं उनका भी एक प्रेशर है कि क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है इस्लामाबाद में? जी मुनीर साहब, इससे पहले मैं आपके तवसुल से, आपके चैनल वीनस आईटी के तवसुल से तमाम पाकिस्तान के सहाफियों से, तमाम पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों से ये मुतालबा करता हूं कि अरशद शरीफ की कत्ल की तहकीकात यूनाइटेड नेशन से कराई जाए। जी जहां तक आपने सियासी मामलात का जिक्र किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, इससे हर पाकिस्तानी डिस्टर्ब है और बहुत सख्त जो है वो एक गम गुस्सा है। अब कल अरशद शरीफ की नमाज जनाजा बाद अस नमाज जोहर 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी और उसके बाद उनकी तस्वीर की जाएगी, और यकीनन उनकी तस्वीर के बाद पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी में भी इजाफा होगा, जबकि इमरान खान ऑलरेडी उस लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, जो बहुत सारे लोग शायद ये भी समझ रहे थे कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, या वो ये सोच रहे थे कि शायद लॉन्ग मार्च अगले महीने होगा। इमरान खान साहब ने जुम्मे वाले दिन उसका ऐलान कर दिया और 11 बजे वो लाहौर लिबर्टी से उस लॉन्ग मार्च का आगाज करेंगे, जो मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ रास्ता जीटी रोड 4 नवंबर को इस्लामाबाद में पहुंचेगा। देखें इस लॉन्ग मार्च को क्यों किया गया है और इसके अवामिल क्या है, बेसिकली बात यह है कि अक्सरियत अवाम का ये ख्याल है कि ये जो हुकूमत है इसको जबरदस्ती बिठाया गया है, ये हुकूमत डिजर्व नहीं करते थे, इनको हुकूमत में बिठाया गया है। इनके आने का मकसद सिर्फ ये था कि ये अपने केसेस माफ करवाएं, अपने जराए माफ करवाएं, कवानीन में तब्दीली करें, नैब को खत्म करें और जो इनके करप्शन के मामला थे उसको साफ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है, अवाम इसको मानने को तैयार नहीं है। और अवाम ये भी पूछते हैं कि आखिर वो क्या वजूहत थी, वो क्या चार्जशीट थी जो आज तक बताई नहीं गई कि एक अच्छी भली चलती हुई हुकूमत इमरान खान की उसको यकदम तब्दील कर दिया गया और ये तमाम। लेकिन रिजवान साहब आपको लगता है कि यहाँ पे खान साहब के इस लॉन्ग मार्च से कुछ होता हुआ भी दिखाई देगा? अमली तौर पे खान साहब लॉन्ग मार्च तो कर रहे हैं, माजी में भी लॉन्ग मार्च की एक बड़ी तारीख रही है, लेकिन क्या उससे हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जी यकीनन मुनीर साहब, बिल्कुल यकीनन, हुकूमत काफी दबाव में, हुकूमत अभी शो नहीं कर रही है आपको, लेकिन हुकूमत काफी दबाव में है और मेरा ख्याल है कि कल के बाद अरशद शरीफ के जनाजे और तस्वीन के बाद ये माहौल आपको अक्सर तब्दील होता नजर आएगा, यहाँ पर बहुत सियासी गहमा गहमी हो जाएगी। और मेरे ख्याल से मुनीर साहब इस वक्त मुकाबला माफिया से, ये माफिया है, ये काबिज ग्रुप है और ये इन्होंने जब से आए महंगाई मार्च करके ही आए और इन्होंने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रखा,
इन्होंने आवाम की फलाह के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने जो भी किया इन्होंने अपने जाती मुफादात के लिए किया, केसेस माफ कराए, मरियम बाहर चली गई, तो ये सारी जो भी है ये एक माफियाज का स्टाइल है और ये माफियाज से मुकाबला है इस आवाम का। रिजवान साहब, मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आने वाले प्रोग्राम में आपके साथ लॉन्ग मार्च के ऊपर मजीद भी गुफ्तगू रहेगी। मुझे ये बताएं कि मुल्क में इतनी कशीदा सूरत हाल भी है, लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हो गया खान साहब की जानिब से, बीच में इलेक्शंस भी हुए और इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का भी सामना करना पड़ा, इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मरियम नवाज साहबा आज भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो आज भी लंदन में मुकीम है और फिलहाल उनकी जानिब से कोई इस तरह का ऐलान भी नहीं किया गया कि वो जल्द पाकिस्तान आ रही है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क्यादत का मुल्क में ना होना ये क्या किस तरह इशारा कर रहा है? देखें, ये साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने अपने आप को एक साइड पे कर लिया है, इनको अवाम के रद्द अमल का अंदाजा हो रहा है। उससे पहले ये मेन इनकी जो मरकजी क्यादत है वो बाहर जा चुकी है, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने के दावेदार थे वो भी वापस नहीं आए, उल्टा मरियम भी लंदन जाके बैठ गई सर्जरी के बहाने, अब शहबाज शरीफ मौजूद है और ये हुकूमत मौजूद है और मुझे नहीं लग रहा कि हुकूमत ज्यादा सस्टेन कर सकेगी। बेहतर तो यह है कि खान साहब का हुकूमत में आने का मुतालबा नहीं है इनसे, खान साहब का तो एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने का मुतालबा है। कैसे मुमकिन है रिजवान साहब, यहाँ पे 7 हलकों में जब इलेक्शंस हुए तो उसमें हम देख रहे थे कि इतनी मुतादिद वीडियो फुटेज सामने आई जिसके बाद पूरे इलेक्ट्रोनिक प्रोसेस के ऊपर सवाल खड़े हो गए। आप कह रहे हैं ऐसे माहौल में पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाए जाए जो साफ भी हो, शफाफ भी हो, जिसके ऊपर किसी की तनकीद भी ना हो, कोई उंगली भी ना उठाए, आपको ये ख्वाब ही लगता होगा गालिबन? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि सब कुछ किया जा सकता है, हर चीज मुमकिन है पाकिस्तान में, सियासत में खास करके। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस लॉन्ग मार्च के आगाज से पहले खान साहब के जो कुछ खास मुतालबात हैं वो ये है कि इस इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, सही, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल गैर जानबदार इलेक्शन का इनकाद का यकीनी बनाया जाए, साफ शफाफ इलेक्शन के इनकाद का यकीनी बनाया जाए और इलेक्शन की एक वाजे इलेक्शन की डेट दे दी जाए। ये अवामिल मुझे लगते हैं खान साहब के लॉन्ग मार्च से। और आपको लगता है ये पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, अब इमरान खान ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, उसने इस फासिस्ट बोसीदा करप्ट निजाम को नंगा कर दिया, अब तो ये आवाम पर फैसला है कि वो क्या चाहते हैं, ठीक हो गया है कि वो पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं या इन्हीं हालात में जिंदगी, ठीक हो गया। रिजवान साहब, आपका मौकफ आ गया और यकीन तौर पर आने वाले प्रोग्राम्स में हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज यकीन तौर पर एक और शोक का दिन है, एक गम का दिन है कि हमारे साथ मौजूद हमारे साथी एक ऐसा सहाफी जिसको देख के हम सब इंस्पिरेशन हासिल करते थे, कहीं ना कहीं उस जैसा बनने की भी हम कोशिश करते थे, कहीं ना कहीं उनसे बहुत कुछ सीखते थे, आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, मौजूद हैं भी तो जो उम्मीद थी शायद वैसे नहीं है। अर्शद शरीफ साहब मुझसे कुछ रोज़ पहले जब रवाना हुए तो ये सोचा भी ना गया था कि जब वो लौट के आएंगे तो वो इस तरीके से ताबूत में बंद होंगे और उनकी बातें, उनकी यादें हमारे दरमियान मौजूद रह जाएंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से इसके ऊपर साफ और शफाफ तहकीकात की जाएंगी और मौजूदा सियासी दर्जा हरारत की बात करें तो वो भी यकीन तौर पर आने वाले दिनों में मजीद कशीदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एडेड एडवांटेज ज़रूर होगा कि इस वक्त इस्लामाबाद के इर्द गिर्द उनकी हुकूमत मौजूद है, यानी कि KPK की बात करें, पंजाब की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी हुकूमत मौजूद है, एक बड़ा सपोर्ट वहाँ पर मौजूद है, एक बड़ा वोटर मौजूद है जो वहाँ से मोबिलाइज हो सकता है और इस्लामाबाद का रुख कर सकता है। लेकिन क्या ये वोटर सपोर्टर और खान साहब के हामी इस्लामाबाद का रुख करेंगे, ये तमाम तो सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए कि इस वक्त हुकूमत का जो मूड है वो भी कुछ सख्त नजर आता है, ये सारे सवालात आज आपको उसको जवाब देंगे, प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। ब्रेक शामिल करते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।